और अभी जो बंदा पेनल्टी ले रहा है वो तो भैया वेलकम टू अनदर व्लॉग डेली वाला है और आज की जो क्वालिटी होने वाली है वो ये है और एक बैटरी है। तो हाँ, किस्सा ये है कि रग्बी देखनी है, न्यूजीलैंड जोन फॉर रग्बी। मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, अपने क्रिकेट फुटबॉल वाले हैं तो रग्बी देखने जाना है। बट एक दोस्त का भी बर्थडे है, बर्थडे लंच 3 बजे है, अभी टाइम हो रहा है 3 और 45 मिनट्स अवे, तो रिप्रेजेंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेट्स गो। ब्रदर, ये बताओ कि तुम पहुंच गए? भाई हम 10 मिनट से पहुंच रहे हैं। 3 बजे का टाइम देते हो और खुद भी लेट पहुंचते हो। यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं। अरे यार, आज अब इतनी दूर आए हो तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना है ना रेस्टोरेंट का। तो ये ऑकलैंड का रेस्टोरेंट सीन है, ये वाली जो स्ट्रिप देख रहे हो पीछे, दिस इज वेयर ऑल द रेस्टोरेंट्स आर। तो इसी में से एक है हमारा और क्वाइट अ सनी डे, द फूड शुड बी गुड। इनका बर्थडे है, लेकिन मैं कुछ बात बताओ कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे की ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारे लड़के की चलने की ज़्यादा खुशी है? लड़के के चलने की तू मत इतना मूव कर दे जल्दी जल्दी। मेरे को ना इसको इसकी मेरे से एक ज़बरदस्त दुश्मनी है, बट जब तू बड़ा हो जाएगा ना सबसे ज़्यादा प्यार तू मेरे को ही करेगा। पिकोलो नहीं पता क्या होता है तो ये तो छोड़ दो। ये कुछ फिश होता होगा, नहीं खाते हम। प्राइमी कि क्या होता है ये भी नहीं पता भाई। ये ऑर्डर किया है, आई डोंट नो है क्या, बट विल सी। नहीं नहीं, देखो तुम जब किसी के बर्थडे पे मिलते हो ना और सारे एक साथ मिलते हैं तो लाइफ में बहुत सारी अपडेट पता चलती हैं। इनकी जो अपडेट है बता दिया तुमने, इनकी जो अपडेट है एक छोटा वाला आने वाला है। लड़का है कि लड़की है? न्यूजीलैंड में आप लीगली पता कर सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। तो हाँ, ये वाली अपडेट है। क्या होता है मेन डिश? इज कंटोरनी। ओके, अभी गूगल किया है इसने, पता गूगल किया था। हाँ जी, बैक टू कार ब्लॉगिंग। खत्म हो गया है लंच। इटालियन रेस्टोरेंट में आलू टिक्की बर्गर मिला नहीं अपने को, तो बिट ऑफ अ स्ट्रगल, बट वाज रियली नाइस टू सी ऑल माय फ्रेंड्स। Had a good time. So the next thing on the agenda, as I said, is the rugby game, right? Rugby game is between Blues and the Hurricanes. Blues is from Auckland, Hurricanes is from Wellington. So yahan pe to log pagal hain rugby ke liye. And if you think of New Zealand, everyone thinks of All Blacks. So it should be super fun. Mere ko actually 2 tickets na free mil gayi thi. So I've offered it to one of my other friends, jiska main yahan pe intezar kar raha hu. And I'm in front of Eden Park right now. ईडन पार्क वही वाला है जहाँ पे क्रिकेट होता है सारा। तो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, शुड बी सुपर फन और कॉन्टेक्ट। देखो जी, नवजोत सिंह आलू वाली आ गए। नवजोत सिंह आलू वाली आ गए, वही है जिनको बेली बेली डांसिंग बहुत पसंद है और इनको रग्बी भी बहुत पसंद है। तो जा रहे हैं इनके साथ रग्बी देखने। देखेंगे, लेट हो गए ऑलरेडी 10 मिनट क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा। तो और भाई कुछ कहना है? और अभी बाद में दूंगा। फॉर ऑल माई नॉन रग्बी वॉचिंग फ्रेंड्स, सीन ये है कि
ये वाले ब्लूज हैं, ये वाले हरिकेन्स हैं, इनको यहाँ बॉल लानी है, इनको यहाँ बॉल लानी है। और जब द न्यू स्कोर इसके बीच में डाल देते हो तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अभी 17-12 चल रहा है एंड वी आर विनिंग, सो दैट्स गुड। और अगर बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो अक्षय पाजी नमस्ते लंदन देख लो। अरे Chasing true, we don't care for me, yeah, yeah. Luckily, we're free to be first class wedding cash. देखो भाई, सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, स्कोर हो गया 17-12। और आई थिंक इस समय पूरे इडन पार्क में बहुत सारी बियर कंज्यूम हो चुकी है, तो यू नो जा रहे हैं मोमोज खाने। और मोमोज खाते हुए क्या देखोगे यार, एंड ऑफ द व्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अभी जो बंदा पेनल्टी ले रहा है वो ऑल ब्लैक से भी खेलता है, तो डाल दी भाई। Everything I should do now.